एक संवेदनाहारी है। अंत में उसने अपने साथियों को उसके साथ रेप करने के लिए बुलाया और पैसे कमाने के लिए क्लिप्स ऑनलाइन अपलोड कर डाली। जब वो उठी तो सियोरिन दंग रह गई। लड़की ने खुद को कुर्सी पर बंधा पाया। तभी उसे पता चला कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो उसे बस पैसे कमाने के साधन के रूप में देख रहा है। लड़की के रोने और भीख मांगने की बात सुनकर भी उसने कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करने के लिए भी चला गया कि कैसे उसका फायदा उठाया जाए। सियोरिन पुलिस को इसकी सूचना देने से बहुत डरती थी। लड़की को नहीं पता था कि क्या करना है, वो सिर्फ रो रही थी। बाद में उसने अपनी माँ से स्कूल बदलने के लिए कहा। माँ ने पूछा क्यों। सियोरिन को अपना होमवर्क खत्म करने के लिए एक बहाना इस्तेमाल करना पड़ा। यह ऐसा था जैसे घरेलू हिंसा में होता है। जब लड़की को सेक्स जारी रखने के लिए कहा गया, सियोरिन ने घुटने टेक दिए और भीख मांगी, लेकिन ऐसा करना बेकार था। इसने लड़के को और भी क्रूर बना दिया, जिन्होंने एक औषधि निकाली और सियोरिन को पीने का आदेश दिया कि वो क्लिप को ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। सियोरिन ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, इसे ले लिया और पूरी औषधि पी ली, लेकिन फिर भी तस्वीरें और क्लिप ऑनलाइन पोस्ट की जाती है। भगवान बहुत निष्पक्ष है, बुरे लोग जल्द ही अपने कर्मों से मिलेंगे। इस सब का पता पुलिस ने लगाया। खबर मिलते ही सियोरिन की माँ फूट फूट कर रोने लगी। किशोर दुर्व्यवहार ने समाज का ध्यान खींचा। सियोरिन का जीवन मीडिया की वजह से बहुत बदल गया था। कोई रास्ता नहीं था, माँ बेटी को दूसरी जगह जाना पड़ा। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद सियोरिन को एक हाई स्कूल में एक अच्छी नौकरी मिली। हालांकि त्रासदी जारी रही। एक दिन सियोरिन ने एक कप कॉफी पी ली जो उसके छात्रों ने उसे दी थी। कुछ देर पीने के बाद सियोरिन बेहोश हो गई। अभी वो ऑफिस में अकेली थी। अतीत का दुःस्वप्न फिर से प्रकट होता है। जब वो अगली सुबह उठी तो सियोरिन ने पाया कि उसकी कलाई पर जख्म है। उसे बुरा लग रहा है। सियोरिन को एक अजनबी का संदेश मिला। वो कल की खींची हुई तस्वीरें थी। सियोरिन को गुस्सा आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कैमरा देखने के लिए सुरक्षा कक्ष में भागी, लेकिन सीसीटीवी की मरम्मत की जा रही थी इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सप्ताहांत में उसका प्रेमी उसके माता पिता से मिलाने के लिए सियोरिन को घर ले आया। खुशी से बात करते हुए सियोरिन को एक संदेश मिला। यह पता चला कि इस व्यक्ति ने उसे तुरंत अपने अंडरवियर की एक तस्वीर लेने के लिए कहा था, या वो उसकी तस्वीरें उसके प्रेमी को भेज देगा। सियोरिन ने मना करने और विरोध करने का इरादा किया। फिर उसके प्रेमी के माता पिता को अजनबियों से परेशान करने वाले संदेश मिले। तभी उसने तुरंत विरोध करना बंद कर दिया और कोई रास्ता नहीं था। सियोरिन को उसके कहे अनुसार करने के लिए बाथरूम जाना पड़ा। अंत में सियोरिन ने अतीत में उसके मामले के प्रभारी व्यक्ति को खोजने के लिए फैसला किया। श्री ओह ने लंबे समय से अपना काम नहीं किया था, लेकिन वो अभी भी सियोरिन की मदद करने को तैयार है। श्री ओह जाँच शुरू करते हैं। उन्होंने एक नया सुराग खोजा। छात्रों को अपनी सहपाठी की एक हॉट फोटो मिली। सब हैरान थे। सियोरिन ने जल्दी से मॉनिटर को सभी फोन जब्त करने को कहा ताकि अधिक लोगों द्वारा देखे जाने से बचा जा सके। फिर उसने छात्रों से और लड़की के साथ निजी तौर पर बात की। पता चलता है कि उन तस्वीरों को मॉनिटर ने लिया था, लेकिन मॉनिटर एक अच्छा छात्र है और उसे शिक्षक और दोस्त दोनों प्यार करते हैं। लड़की ने कहा कि किसी को विश्वास नहीं है कि उसने ऐसा किया है। घर के रास्ते में और यहाँ तक कि घर में भी सियोरिन सोचती रही कि इससे कैसे निपटा जाए। उसे अचानक से लड़की के अपहरण की एक क्लिप मिली। रहस्यमय इंसान ने यहाँ तक दिया कि अगर वो नहीं आई तो वो उसे लड़की की हॉट क्लिप ऑनलाइन पोस्ट करेगा। लकी के शिक्षक के रूप में बेशक सियोरिन उसे बचाना चाहती थी। सियोरिन ने श्रीओ को पता भेजा, फिर खुद उस स्थान पर गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने परिचित औषधि देखी। सियोरिन जानती है कि लड़की को बचाने का यही एकमात्र तरीका है, इसलिए उसने औषधि पीने में संकोच नहीं किया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपहरणकर्ताओं द्वारा बंधा पाया। समझना मुश्किल है, लड़की तो पूरी तरह से ठीक है। भेजी गई क्लिप नकली थी। पता चला कि वे एक टीम है। ये बच्चे ही उस रहस्यमय शख्स के लोग हैं। तेजी से पैसा कमाने के लिए लाइव स्ट्रीम करके वो पैसा कमाना चाहते थे। जब वे लाइव स्ट्रीम करने वाले होते हैं, मिस्टर ओ और पुलिस दिखाई देती है। उन्हें सियोरिन को बचा लिया था। उनसे पूछताछ के बाद उनके बॉस का फोन नंबर मिला। रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाना बहुत मुश्किल है। पुलिसकर्मी तुरंत कार्रवाई करते हैं। पता चला कि हर चीज के पीछे एक किशोर है। उद्देश्यों के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था। सब कुछ सियोरिन ने सहन किया था। पता चला कि यह सिर्फ एक बच्चे की शरारत थी। इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता था। एक पुलिस वाले ने तो यहाँ तक दिया। कोरियाई कानून वास्तव में मुझे पागल कर देता है। बच्चे का व्यवहार परिवार की शिक्षा को दर्शाता है। जो बोओगे वही काटोगे। प्रत्येक बच्चे पर हम उनके माता पिता के गुण देख सकते हैं, जबकि बहुत से लोग उनकी दौलत का दिखावा करते हैं। अच्छे बैग, अच्छी कारों, अच्छी घड़ियों के माध्यम से यह जाने बिना कि उनके शिक्षित बच्चे